हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सुपर हीरो कॉर्प्स में, जहां आप जान सकते हैं अपने फेवरेट सुपर हीरोज के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वैसे तो कॉमिक बुक वर्ल्ड में कई सारे वेपन्स हैं, कुछ विलन के अंडर में और कुछ हीरोज के पास, पर आज हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक्स के गॉड ऑफ थंडर के वेपन यानी के म्योनीर की। म्योनीर थॉर के पास 1962 जर्नी इनटू द मिस्ट्री ये कॉमिक्स में आया। म्योनीर का मतलब है वो जो तबाही मचाता है। थॉर का हैमर मिस्टिकल पावर से बना है, जिसकी वजह से जो उसके लिए वर्दी हो वही उसे उठा सकता है। एमसीयू में अब तक थॉर के हैमर को थॉर, विजन और ओडी ने ही उठाया है, लेकिन कॉमिक्स की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे ओकेजन हुए हैं जहां पर थॉर का हैमर उठाया गया है। कॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे बींग्स हैं जिसने थॉर के हैमर को उठाया है, पर आपको पता है वो लोग उस हैमर को उठाने में कामयाब क्यों रहे? चलिए देखते हैं। थॉर के हैमर की कंडीशन ये है कि कोई भी जिंदा चीज उसे उठाने में नाकाम होगी तब तक जब तक वो उसके काबिल ना हो। पर हैमर को अलग अलग कंडीशंस में भी उठाया गया है, जैसे कि नंबर वन है यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रिवर्स मैग्नेटिज्म। हाँ दोस्तों, ग्रेविटी और रिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से थॉर के हैमर को उठाया गया है। अगर मार्वल कॉमिक्स में देखें तो मैग्नेटिक पावर का खिलाड़ी मैग्नीटो है। अपने बेटे क्विक सिल्वर और बेटी स्कारलेट विच को खो देने के बाद मैग्नीटो काफी शोक में चला गया, जिसकी वजह से उसने काफी खतरनाक एक्शन लिए। मैग्नीटो के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने की ताकत की वजह से उसने हैमर के आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया और हैमर को वेटलेस बना दिया, जिसकी वजह से वो हैमर उठा पाता है। हमारी दूसरी कैटेगरी है एंड्रॉइड्स एंड रोबोट्स। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का सबसे बड़ा ट्विस्ट यानी कि विजन का म्योनीर उठाना सबसे बड़ा चौंका देने वाला इवेंट था, पर कॉमिक्स में ये ओकेजन अब तक कभी नहीं आया। हालांकि विजन को हैमर उठाने से भले ही कोई भी पावर्स ना मिली हो, लेकिन उसने म्योनीर को उठाकर खुद को साबित जरूर कर लिया। दूसरा एंड्रॉइड हमारे लिस्ट में है वो है ऑसम एंडी, जिसकी खासियत ये है कि वो सभी तरह की सुपर पावर्स को मिमिक कर सकता है। जब उसके क्रिएटर यानी कि मैट थिंकर ने एंडी के एबिलिटीज को अपग्रेड कर दिया, तब मिमिक के साथ साथ एंडी ने थॉर की ग्रेटनेस भी मिमिक कर ली, जिसकी वजह से वो थॉर का हैमर लिफ्ट कर पाता है। नंबर थ्री कैटेगरी में आते हैं वो शख्स जो हैमर के लिए वर्दी हों, यानी कि म्योनीर के लिए वो काबिल हों, जिसमें आती है थॉर की लव इंटरेस्ट यानी कि जेन फॉस्टर। थॉर के इस वर्जन ने मीडिया में काफी अटेंशन ग्रैब किया था। एक ओकेजन में थॉर हैमर को उठाने के लिए अनवर्दी हो जाता है, तब उस हैमर को जेन फॉस्टर उठाती है और हैमर पर लिखी हुई लाइन बदल जाती है और अभी की करंट थॉर जेन फॉस्टर ही है। अगला कैरेक्टर वो है जो एवेंजर्स की बेस्ट पाई मानी जाती है और वो है नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो। मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में जब रैग्नारोक इवेंट में ऑलमोस्ट सब सुपर हीरोज की डेथ हो चुकी होती है इंक्लूडिंग थॉर, तब फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म करने के लिए नताशा को थॉर का हैमर हासिल करने के लिए भेजा जाता है और इस सिचुएशन में नताशा उस हैमर को उठा लेती है। अगला वर्दी कैरेक्टर है वो है एक्स मैन की मेंबर स्टॉर्म। एक इवेंट में जब एक्स मैन एसगार्ड पर जाती है तब लोकी स्टॉर्म को म्योनीर की तरह और एक हैमर देता है यानी कि स्टॉर्म कास्टर, क्योंकि स्टॉर्म के पास वेदर मैनिपुलेशन की पावर्स होती हैं, जिसमें थंडर एंड लाइटनिंग भी शामिल है, जो कि थॉर की पावर्स से काफी रिलेटेड हैं। पर वो उसे लोकी की चाल समझकर मना कर देती है और उस हैमर को रिजेक्ट कर देती है, पर काफी साल बाद वो उस हैमर को उठा लेती है और गॉडेस ऑफ थंडर बन जाती है। पर ज्यादा देर तक नहीं, हैमर को अपने पास रखने के बजाय वो थॉर का हैमर उठाकर अपने स्टॉर्म कास्टर को तबाह कर देती है। अगला कैरेक्टर है द फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका। अगर प्योर हार्ट और वर्दीनेस की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन अमेरिका इस लिस्ट में शामिल ना हो। कॉमिक्स की बात की जाए तो कैप्टन ने हैमर को दो बार उठाया होता है। जब थॉर दुश्मनों से लड़ रहा होता है तब कैप्टन हैमर को थॉर तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि उसे उठाता है और खुद को साबित करता है। हमारी अगली कैटेगरी है ग्रेट पावर्स एंड प्योर फोर्स, जिसमें आती है द अमेज़ोनियन क्वीन वंडर वुमन। 90s की डीसी मार्वल क्रॉसओवर की कॉमिक्स अब तक की सबसे फेमस कॉमिक्स में से एक रही है, जिसमें हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि अरीना में वंडर वुमन की फाइट एक्समैन की स्टॉर्म के साथ होती है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि थॉर और शज़ाम की फाइट हो चुकी होती है, जिसके बाद थॉर से अपना हैमर छूट जाता है और तब हम देखते हैं कि वंडर वुमन हैमर को एक झटके में उठा लेती है और उसमें सारी थॉर की पावर्स आ जाती हैं, पर वो उस हैमर को रख देती है ताकि लड़ाई बराबरी की हो। हमारी इस कैटेगरी का अगला हीरो है हल्क।
अगर ग्रेट पावर्स की बात की जाए तो हल्क का रेज उसे अपनी पावर्स की पीक तक पहुंचाता है। कॉमिक्स में हल्क थॉर को उसी के हैमर से उसको मारता है, पर उस समय हैमर को थॉर ने ही होल्ड किया होता है, पर फिर भी उसने हैमर को होल्ड करते हुए भी थॉर को बेट कर दिया। पर हम कह सकते हैं कि हल्क ने भी हैमर को उठाया है। एक दूसरे ओकेजन में जब हैमर हवा में उड़ रहा होता है तभी हल्क उसे पकड़ लेता है। हमारा अगला हीरो है द मैन ऑफ स्टील सुपरमैन। सुपरमैन की गॉड लाइक पावर्स उसे डीसी का एक अहम बींग बनाती है। 2003 के डीसी मार्वल क्रॉसओवर में जस्टिस लीग वर्सेस अवेंजर इशू 4 के कवर में हमने सुपरमैन को थॉर का हैमर और कैप्टन की शील्ड होल्ड करते हुए देखा, पर सुपरमैन विलन्स को हराने के लिए म्योनियर को एक ही बार लिफ्ट कर पाता है। क्लार्क कैंट का प्योर हार्ट और उसकी गॉडलाइक पावर्स उसे म्योनियर उठाने के लिए काबिल बनाती है। हमारी अगली कैटेगरी है एस गार्डियंस। इस कैटेगरी में हम एस गार्ड्स के वॉरियर्स को ऐड करेंगे, जिसमें आता है बॉर। बॉर यानी कि ओडिन के पिता, उन्होंने भी थॉर के हैमर को उठाया होता है। जब ओडिन के पिता बॉर और ओडिन के बेटे थॉर के बीच में लड़ाई होती है तब थॉर उनकी तरफ हैमर फेंकता है। तब बॉर हैमर को पकड़ लेते हैं और हैमर को फेंक देते हैं। अपनी रेस का प्रोटेक्टर बेटा रेबिल एक बेहतरीन एस्गार्डियन फाइटर होता है, जो कि थॉर के साथ हुई लड़ाई में खुद को वर्दी पाता है और थॉर का हैमर उठाता है। और उस लड़ाई के बाद थॉर के पिता उसे एक नया हथियार बना के देते हैं, जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर। हमारा अगला कैरेक्टर है ओडिन। ओडिन मार्वल के एक बेहतरीन फाइटर्स में से एक है। ओडिन को पावर्स मिलती हैं ओडिन फोर्स से। ओडिन हैमर का पहला कंट्रोलर है, जिसपे लिखे हुए वर्ड्स का वो मालिक है। ओडिन ने ही हैमर में मैजिकल फोर्स डाली होती है, जिसकी वजह से वो हैमर को उठा पाता है। और बाकी कैरेक्टर्स जिसमें आता है डेडपूल। एक ओकेजन में गॉड ऑफ मिस्चीफ यानी कि लोकी ने डेडपूल को एक हूबहू दिखने वाला नकली म्योनियर बना के दिया, ये देखने के लिए कि डेडपूल उससे कितनी तबाही मचाता है। पर डेडपूल उस म्योनियर से बेसबॉल और अम्यूजमेंट पार्क में गेम खेलने जाता है। हमारा अगला कैरेक्टर है रेड हल्क। थॉर के साथ फाइट में रेड हल्क ने भी हैमर का इस्तेमाल किया होता है, हालांकि वो फाइट स्पेस में होने की वजह से वो हैमर को उसी के खिलाफ यूज कर पाता है। और यही नहीं, उसने सिल्वर सर्फर के बोर्ड पर भी कब्जा कर लिया होता है। अगली कैरेक्टर है एक्समैन की रोग। मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में रोग और ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स ने एवेंजर्स पर हमला कर दिया था। तभी रोग ने अपनी एबिलिटी यानी कि दूसरों की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करने से उसने थॉर की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया और हैमर को उठा लिया, और उसके साथ साथ उसने थॉर की आइडेंटिटी भी अब्सॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से म्योनियर को ये लगा कि वो उठाने वाला शख्स थॉर ही है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप अपने फेवरेट सुपर हीरोज का कंटेंट देखते रहें। और कमेंट करें आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर वर्दी होना चाहिए। दिस इज शिव व्यास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।